जी से कहा, द्रोण जी लो रथ ले जाओ मेरा और ये खत ले जाओ, कन्हैया और बलराम को इस रथ में बिठाल करके लाओ धोखा में, और धोखे से बुला के लाना, और तुम नहीं लाए तो मैं तुम्हारे सारे खानदान को जेल में डलवा दूंगा, तुम्हें फांसी लगवा दूंगा। तो माताओं कंस का हुक्म था, कौन टालने वाला था? कंस डर की वजह से, भोजराज कंस की डर की वजह से अक्रूर जी रथ लेकर के चले। अब मन में ये सोचते जा रहे हैं कि दुनिया भगवान की सेवा कर रही है लेकिन मैं कितना आभागा हूं जो मरवाने के लिए जा रहा हूं। मेरी माताओं ये अक्रूर जी गोकुल पहुंचे तो यशोदा ने अक्रूर जी को बहुत सम्मान दिया। यशोदा हंस रही है, कह रही है लाला तुम बहुत दिनों में आए हो। अक्रूर जी सोच रहे हैं अभी तो यशोदा खुशी मना रही है और मैंने पत्र दे दिया तो अभी आंखों से आंसू बहेंगे। अक्रूर जी ने काफी देर में कही यशोदा अरे अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हमें किसी ने भेजा है। यशोदा समझ गई हो ना हो कंस के सिवा और कौन हो सकता है, बताइए कैसे आए। तो अक्रूर जी कहने लगे मैया मैं तेरे लाला को लेने आया हूं। क्या? हाँ कंस ने बुलाया है और लो ये पत्र पढ़ लो। उस खत में लिख रहा है कि हे यादवों के बाबा नंद कन्हैया बलराम से मेरी कोई लड़ाई नहीं। यशोदा समझ गई ये झूठ बोल रहा है, इसमें जो बात लिखी है वो झूठ बात लिखी है। खत को पढ़ा मैया रोने लगी, क्या बोली है? कि देखे पत्र की दशा यशोदा धरन गिरी पे उतन मेरी दई सब धूली मिलाई रे। रोने लगी, मेरी माताओं बताया ये गया है कन्हैया और बलराम जैसे ही बाहर से आए। यशोदा से पूछा है मैया तुम क्यों रो रही हो? यशोदा ने जवाब दियो लाला जादना से तिन जन्म लियो ना गोकुल में, वादना से जा कंस ने चैन की नींद नहीं सोने दियो। देख तोए मरवावे को पूतना भी दी, तेरे मरवाने के लिए लाखों उपाय किए और जब तू नहीं मरा तो अब तुझे कंस ने मथुरा बुलवाया है। कन्हैया ने खत पढ़ा और खत पढ़ते ही मुस्कुराने लगे भगवान। कन्हैया हाथ में बंसी लेकर के बोले मैया
तो बहुत जल्दी रो जाती है, बहुत जल्दी रो जाती है मैया। अरे इस खत में कोई ऐसा शब्द तो नहीं निकला है कि जो मैं मारा जाऊं। इस खत में ये लिख रहा है कि मेरे यहाँ कन्हैया बलराम धोखा से नहीं, प्यार से भोजन करने आया। लेकिन मैया मेरे मामा मोए बुलाए रो है तो तू क्यों रो रही है? यशोदा बोली, लला तू नहीं जानतो बछलिया को, वो कहता कुछ है और करता कुछ है। भगवान कन्हैया यशोदा को समझा रहे, मैया मेरे मामा ने बुलाओ है तो मैं गोकुल से मथुरा जाऊंगा, और सुन ज्यादा देर नहीं परसों तक लौट के आ जाऊंगा। परसों का वायदा किया भगवान कन्हैया ने यशोदा से। तैयार हो गए जाने के लिए, ग्वाल कहने लगे मनसुखा छदम्मा गोपाला रेंदा पेंदा सारे, कन्हैया अगर तू मथुरा जाएगा तो हम भी तेरे साथ जाएंगे। क्यों? तूने ये कसम खाई थी कि मरेंगे तो साथ और जिएंगे तो साथ। तेरो मामा तो मारे गो ताते पहले हम मर जाएंगे, लेकिन तुझे नहीं मरने देंगे। मनसुखा छदम्मा गोपाला रेंदा पेंदा दामा भैया बलराम तैयार हुए हैं, अक्रूर जी के रथ में बैठ गए। यशोदा बार बार मना कर रही है, कन्हैया मत जाओ। और जब कन्हैया नहीं माने तो यशोदा फपक फपक के रोने लगी, कहने लगी कन्हैया तूने आज दिखा दिया कि अपना बेटा अपना ही होता है और दूसरे का बेटा दूसरा ही होता है। आज तू मेरी कोख से जन्म लिया होता तो मेरी बात को मान जाता, लेकिन लाला मुझे मालूम है कि तू मेरा बेटा नहीं, तू तो एक देव की मैया का है। अरे मैं तो नौकरानी हूं, मैं तुझे पाल पनोस के बड़ा किया है। कन्हैया अपने और बिराने में यही फर्क होता है। भगवान कन्हैया से यशोदा ने ये कहा था तो भगवान कन्हैया के भी आंखों में आंसू आ गए। बोले मैया तू ऐसे बोल ना मार जिसका मेरे दिल में घाव हो जाए, तू ऐसे बोल ना दे मैया मेरे दिल में घाय हो जाएंगे। सुनो मुझे नहीं पता मां मेरी कौन है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूं। जन्म देने वाली मां ने तो जन्म दे दिया, लेकिन पालने वाला बड़ा होता है। यशोदा तुम रो ना मैया, तो मेरी कसम है मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। परसों का वायदा किया। यशोदा कहने लगी लाला मैंने बहुत देखा है जो लोग परसों की कह जाते हैं ना वो बरसों बिताते हैं। तेरा तो रंग वैसे ही काला है और ये काला रंग ऐसा होता है किसी से मोहब्बत नहीं मानता। काला रंग सांवला रंग ये किसी से मोहब्बत नहीं मानता। काले सर्प को कितना भी दूध पिलाओ लेकिन वो एक दिन दसी लेता है। नहीं मालूम था कि आज तू मेरे मुझे तो इतना रुलाएगा और मैं तुझसे इतना प्रेम नहीं लगाती। मैंने कभी ये नहीं समझा कि कन्हैया मुझे छोड़ के जाएगा। अगर मुझे ऐसा मालूम होता, मुझे ऐसा मालूम होता कि कन्हैया एक दिन छोड़ जाएगा तो मैं इतना प्रेम नहीं करती। मेरी माताओं बूढ़ी मैया आंखों में आंसू भर के फपक फपक के रो रही है, भगवान को समझा रही है। लेकिन यशोदा रोती रही और ये बरसाने की रहने वाली राधा को मालूम पड़ गया कि कन्हैया गोकुल छोड़ के मथुरा जा रहा है। मेरी माताओं बरसाने से राधा भगी भगी चली आई और कन्हैया से बोली कन्हैया तुम गोकुल वालों की बात नहीं मानोगे लेकिन मेरी तो बात जरूर ही जरूर मानोगे। तो मेरी कसम कन्हैया तू मथुरा को ना जा, और सुन यदि मथुरा जाना चाहते हो ना तो ले मैं रथ के आगे लेट जाती हूं, तू मेरे ऊपर होके रथ ले जा, मैं मर जाऊंगी टेंशन खत्म हो जाएगी। आज राधा और कन्हैया राधा को समझा रहे हैं तुम मेरी बात मान जाओ तुम मत जाओ। भगवान कन्हैया कह रहे हैं राधा तुम मेरी बात मान जाओ, ये मैया तो मेरी अज्ञान है लेकिन तुम तो समझदार हो,